तो आज हम अंडा भुर्जी बनाने हैं, चीज़ वाली अंडा भुर्जी। तो उसके लिए हमें प्याज लगेंगे। हमने एक वाटी प्याज लिया है, एक वाटी हमने टमाटर लिए हैं और एक वाटी हमने हरा धनिया जो होता है उसे अच्छे से काट कर ले लिया है। इसके बाद एक चम्मच अदरक गार्लिक पेस्ट, उसके बाद लाल जो रेड कलर का मिर्ची होती है उसकी तिखट और गरम मसाला और जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। उसके बाद हमने ये चीज़ ले लिया है और भुनने के लिए हमें बटर भी चाहिए, तो हमने बटर भी ले लिया। और ये पाव चाहिए हमें भुर्जी के साथ खाने के लिए, तो हमने ये पाव भी लिए हैं। दो लादी हमारे लिए काफ़ी हो जाएंगे। और ये चार अंडे लिए हैं, ये बॉयलर के अंडे हैं सादे, आप चाहे तो गावरन भी ले सकते हैं। अंडों को हम ऐसे इस तरह से निकाल लेंगे और इस विस्कर की मदद से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमें बाद में मिक्स करने में परेशानी ना हो। इस तरह हमने विस्कर्स के मदद से इसे अच्छे से फेंट लिया है ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। तो हम अब इसमें बटर ऐड करेंगे। हमें इसे अच्छे से भून लेना है, ये जले नहीं इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे, हमें इसे जलाना नहीं है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, इसे एक से दो मिनट तक इसे भूनना है ताकि इसका कलर जो है वो ब्राउन कलर हो जाए। अब इसमें हम ये टमाटर जो है वो ऐड करेंगे और उसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। ये भी अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। ये लाल मिर्च और गरम मसाला, और इसे हम अच्छे से एक मिनट तक और भून लेंगे ताकि मसाला कच्चा ना रहे। हमें जो फ्लेम है वो लो मीडियम पर रखनी है। अब इसमें हम ये धनिया पाउडर और जीरा पाउडर मिक्स करेंगे और अब इससे भी एक मिनट तक पका लेंगे। ये जो हमारे पास जो धनिया था जो हमने एक वाटी लिया था, अब उसमें भी हम थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और थोड़ा बचा के रखेंगे। अभी हमारा अच्छे से जो मसाला था वो भून चुका है। अब इसमें हम ये जो हमने अंडे ले लिए थे उसको मिक्स करेंगे। और अब जो फ्लेम है हम उसको हाई कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से स्लोली मिक्स करेंगे।
देखना कि इसमें कोई गुठली ना रहे, और इसे अच्छे से मिक्स करना है आपको। अभी हमारे पास थोड़ा सा विनेगर है। विनेगर से क्या होता है कि इसमें जो बास आती है वो इससे आती नहीं है। अब इसमें हम ये नमक डालेंगे, 1 से 2 चम्मच हमें नमक डालना है। आप आपके स्वाद अनुसार ये नमक ऐड कर सकते हैं। और अब ये हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ये धनिया डालेंगे और इसे और अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ये क्रशर है तो हम इससे भी मिक्स कर सकते हैं। इसमें कोई गुठली नहीं रही। अब इस तरह से हमने अच्छे से क्रश कर लिया है, देख लीजिए। इस तरह से हम इसे अच्छे से दबा लेने तारे कि इसमें कोई गुठली ना रहे। अब इसे हम अच्छे से, ये हो चुका है, और अब इसको हम निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में, और जो पाव है उसे अच्छे से इसमें ही डालकर भून लेंगे ताकि वो उससे अच्छे टेस्ट आए। इस तरह से हम इसे अच्छे से काट लेंगे ताकि ये हो जाए इस तरह से। अभी इसमें ये हम बटर डालेंगे और थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे ताकि ये जले ना। और अब इसमें हम ये थोड़ा सा गरम मसाला और ये धनिया पाउडर थोड़ा सा, इस तरह का धनिया पाउडर हमें इसमें डालना है। और अब ये प्याज और थोड़ा हरा धनिया डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये बहुत टेस्टी लगते हैं ऐसे। देखिए इस तरह से हमारा ये चीज़ी अंडा भुर्जी रेडी है।